राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अपमान पर बीजेपी विरोधियों को बहुत घेर चुकी है, लेकिन अब उसी के एक विधायक ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। गोहना मोहम्मदाबाद विधानसभा से विधायक श्रीराम सोनकर को जरूरी काम राष्ट्रगान के बीच में याद आ गया और वो इसे छोड़कर बाहर निकल गए। अब एक विधायक को इतना भी नहीं मालूम कि राष्ट्रगान का अपमान देश का अपमान है। राष्ट्रवादी पार्टी का राष्ट्र विरोधी विधायक जो बीच में राष्ट्रगान छोड़कर चला गया, क्या राष्ट्रगान से ऊपर है विधायक का काम? चौंकिए मत, इनसे मिलिए। ये हैं श्रीराम सोनकर, बीजेपी के मोहम्मदाबाद गोहना विधायक, जिनके लिए राष्ट्रगान जरूरी चीज नहीं, जिनके लिए राष्ट्रगान को बीच में छोड़कर जाना बेहद आम बात है, जिनको राष्ट्रगान के बीच में ही याद आता है जरूरी काम। ऐसे हैं विधायक महान, नाम श्रीराम, विधायक गोहना मोहम्मदाबाद। दरअसल केंद्र सरकार की भारत विकास परिषद की ओर से जिले के संजीवनी अस्पताल में गोद भराई की रस्म का आयोजन कराया गया था। इस कार्यक्रम में बीजेपी के विधायक मुख्य अतिथि थे। महिला डॉक्टर अलका राय भी पहुंची थी। महिलाओं को गोद भराई में नारियल, चुनरी और सागवान का पेड़ दिया जा रहा था। कार्यक्रम सफलतापूर्वक खत्म हुआ, लेकिन समापन राष्ट्रगान से करना तय हुआ था। राष्ट्रगान की घड़ी आई तो हॉल में मौजूद हर शख्स खड़ा हो गया। राष्ट्रगान शुरू भी हुआ, लेकिन इसी बीच विधायक जी निकल गए। बताया कि विधायक जी को कुछ जरूरी काम में जाना है। विधायक को राष्ट्रगान शुरू होने से पहले निकल जाना चाहिए था। विधायक ने राष्ट्रगान को बीच में छोड़कर उसका अपमान किया। ऐसा कौन सा काम विधायक को याद आ गया जो राष्ट्रगान से भी ऊपर था और उन्हें राष्ट्रगान बीच में छोड़कर जाना पड़ा? अगर उन्हें जाना ही था तो राष्ट्रगान शुरू होने से पहले जा सकते थे। बीजेपी के इस विधायक को क्या इतना भी नहीं मालूम था? मीडिया ने विधायक से जैसे ही सवाल पूछा, विधायक श्रीराम सोनकर ने जवाब को ही घुमा दिया। भारत की योजनाओं का कार्यक्रम है और प्रत्येक माह में, प्रत्येक माह के 9 तारीख को यहाँ फ्री चेकअप होता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको एक तरह से सम्मानित किया जाता है। इस तरह का कार्यक्रम है, अच्छा कार्यक्रम है जनता के लिए, और जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको भी इससे एक लाभ है। वह इस कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर अलका राय से जब मीडिया वालों ने विधायक के राष्ट्रगान को बीच में छोड़कर चले जाने पर सवाल पूछा, तो उन्होंने विधायक जी की व्यस्तता का हवाला दे दिया। उनको थोड़ा जल्दी थी। हम लोगों की परंपरा है हमारे भारत विकास परिषद की कि हम लोग हर कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत से करते हैं और उसका अंत राष्ट्रगान से होता है। देखिए, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान सबको करना चाहिए और विशेष करके राष्ट्रगान। राष्ट्रगान का महत्व उन शहीदों से पूछिए जिन्होंने इस राष्ट्रगान को गाने के लिए अपने आप को फांसी के फंदे तक चूमने से परहेज नहीं किया। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, राष्ट्रगान का सम्मान करना ये नैतिक दायित्व है भारत के हर नागरिक के लिए। वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, विधायक हो, सांसद हो या मंत्रिमंडल का सदस्य ही क्यों ना हो, राष्ट्रगान का सम्मान सबको करना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रगान का सम्मान सभी को करना चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में भी कहा गया कि यदि आप गा नहीं सकते तो कम से कम सम्मान तो करना चाहिए। ये समझता हूं कि ये देश से जुड़ा हुआ मसला है, देशभक्ति से जुड़ा हुआ मसला है, इसमें तो सभी को सम्मान करना चाहिए। किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि देश के प्रति आपका कितना लगाव है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की जो चीजें हैं उस पर हम सबको देशभक्ति के भाव से कम खड़े रहना चाहिए, पूरा का पूरा सम्मान दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत हुआ है जिस जो आज आप घटना बता रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनकर उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों पर बहुत बवाल कर चुकी है। राष्ट्रगान को बीच में छोड़कर जाना इसका अपमान माना गया। विधायक होकर भी श्रीराम सोनकर ने राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया। क्या पार्टी अपने इस विधायक की इस गलती पर कदम उठाएगी? देखने वाली बात है।